हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस तरीके की जैकेट। ये स्केच मिला है तो इसको हमें कलर ब्लॉकिंग की जैकेट बनानी है। ये कुल्टिंग लगी हुई है पूरी, इस पर फॉर्म लगा के कुल्टिंग होती है। उसके बाद ये अलग से कपड़ा पैच करके और ये अलग से हमें लगाना है, ये डिज़ाइन बनाना है हमें जैकेट में। तो इसको देखते हैं हम कैसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी रफ़ कटिंग करेंगे जो पैटर्न से होगी। पैटर्न हमने तैयार कर लिया है, जो पैटर्न की कटिंग कैसे होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ जैकेट आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगी। ये हमारी कुछ इस तरीके की जैकेट की पैटर्न की कटिंग है, जिसको हम सिर्फ रफ काट देंगे, फाइनल निशान लगाएंगे फिर कटिंग करेंगे रफ। जैकेट का खाका तैयार हो गया और इसकी हम रफ कटिंग करेंगे। पहले रफ कटिंग करके फिर जहाँ जहाँ से पैच हमारे ये आ रहा है, हमारे फ्रंट हो गया, जहाँ से हमारा आर्मोर भी मिला हुआ है, फिर ये कंधी से अटैच होके जैसे जैसे आ रहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे ये होगा। पहले इसकी कटिंग कर लूँ। तैयार हो गया हमारा, इसको हटा देंगे, इस तरह कपड़ा फोल्ड कर देंगे, बैक में जॉइंट तो नहीं आना, विदाउट जॉइंट के बैक काटेंगे हम इसकी। बैक का भी हमारा मार्कर तैयार है पैटर्न, ये यहाँ से कोने से बराबर करके बैक में तो कुछ है नहीं वैसे इसके, लेकिन फिर भी कटिंग कर रहे हैं हम लोग। ये हमारी कटिंग तैयार हो गई है। अब इसमें जो है इसका खाका तैयार कर रहे इसको छाप लेंगे इसके ऊपर। छाएंगे ऐसे
पूरा हमारा तैयार हो गया स्केच। अब ये देखो इस तरीके का हमारा ये तैयार हो गया है, ये अपने स्केच है। अब ये कंधी से ऐसे आके ये आर्मोल के यहाँ पे मिल रहा है और ये यहाँ से ये लगभग यहाँ पर आया है। तो अभी भी इसको यहाँ से ऐसे राउंड करेंगे। पूरा ऊपर वाला ऐसे चला गया अपना। अब इस नीचे वाले को यहाँ अटैच करेंगे। ये यहाँ से कम इतना ऊपर है, ये जो यहाँ वाला हिस्सा है ये कम से कम इतना ऊपर होगा। पूरा यहाँ से यहाँ आ गया, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से जो है यहाँ से ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ से इतना है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये हल्का सा और नीचे जाएगा, ये हो गया। अब जो ये है यहाँ से जितना ये गैप है उतना ही ये गैप देना है हमें। तो ये देख लेते हैं, नाप के कर लेते हैं। ये गैप आया हमारा 4.25 इंच, तो यहाँ से भी ये 4.25 इंच हो गया, ये बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें ये इतना कर देना है, यहाँ पे इतना। अब इसको ऐसे शेप में राउंड ले लेना है। ये सेम टू सेम अपना खाता तैयार हो गया, जैसा ये है वैसे ही अपना इस तरीके का तैयार हो गया। ये वाला लाइन है नहीं है, ये डंप लग गया था। अब इस तरीके से इसको कट करके हम लोग और इसको जॉइंट करके फिर इसको प्रॉपर तरीके से हम इसको फाइनल कटिंग करेंगे। फिर अगली वीडियो में इसकी जॉइंट करने के बाद इसकी स्टिचिंग के बारे में दिखाएंगे और धीरे धीरे सारे स्टेप दिखाएंगे जैसे जैसे होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।